नमस्ते, मैं हूं मानव। आप देख रहे हैं जनता शो। 20 जुलाई ये वो तारीख है जिसको इतिहास में याद रखा जाता है। दावे के मुताबिक इस दिन एक बड़ी घटना हुई थी जिसकी वजह से इस दिन को इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कर लिया गया था। असल में कहा जाता है कि इस दिन अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग का पैर चंद्रमा पर पड़ा था और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले आदमी थे। इस घटना को लगभग 49 साल बीत चुके हैं। कहा जाता है कि 20 जुलाई 1969 को इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन की अगुवाई करते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने की हिम्मत जुटाई। अब भले ही नासा ने चंद्रमा पर इंसान पहुंचा देने का दावा किया हो, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जो नासा के दावे पर सवाल खड़ा करती हैं। आज भी कई सारे लोग ऐसे सामने आते हैं जिन्हें चंद्रमा की लैंडिंग एक साजिश दिखती है। उनका कहना है कि नील कभी चंद्रमा पर उतरे ही नहीं थे। ये बात वो लोग ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि इसके लिए कई सारे पॉइंट गिनाए जाते हैं। पहला पॉइंट, सवाल उठाने वालों की तरफ से कहा जाता है कि जो तस्वीरें उस दिन नासा ने जारी की थी, उसमें से कई तस्वीरों में दिख रही परछाइयों में दिक्कत थी, समस्या थी। एक ही तस्वीर में दो अलग अलग दिशा में इंसानी परछाई दिखाई पड़ रही थी। ये सब देखकर सवाल पूछा गया कि जब वहां लाइट का सोर्स सूर्य ही था, तो एक इंसान की दो परछाई कैसे बनी। दूसरा पॉइंट जो गिनाया जाता है वो है पत्थर पर बना सी। मून सरफेस की जो तस्वीर नासा ने जारी की, उनमें एक ऐसी तस्वीर है जिसे एक पत्थर दिख रहा है, यानी जिसमें एक पत्थर दिख रहा है उस पर सी लिखा है। अब चांद की सतह पर किसने अंग्रेजी लिख दी, ये भी लोगों ने सवाल उठाया। तीसरा जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो है फहराते झंडे में झोल। ज्यादातर विशेषज्ञों का सबसे बड़ा आरोप अमेरिकी झंडे से जुड़ा है, जिससे चंद्रमा की धरती पर उतरकर नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने फहराया था। तस्वीर में इसे फहराता हुआ देखकर सवाल पूछा जाता है कि जब चांद पर हवा ही नहीं है तो फिर झंडा कैसे फहरा रहा है। चौथा जो सवाल उठाया जा रहा है वो है कि उतरने की जगह किसी को नहीं पता। अगर लूनर मॉड्यूल चांद की धरती पर उतरा तो तस्वीरों में उसके उतरने से बना गड्ढा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जिस लूनर डस्ट से पूरी चांद की जमीन भरी हुई है, उस पर तो ऐसे धमाके का अच्छा खासा असर होना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। पांचवा जो सवाल उठा जाता है कि सितारे कहां चले गए। नासा ने मून लैंडिंग को लेकर जो तस्वीरें जारी की थी उसमें आसमान में चमकने वाले सितारे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद सवाल उठाया गया कि अगर ये चंद्रमा की सतह की तस्वीरें हैं तो आसमान से तमाम सितारे कहाँ गए। छठवा जो सवाल उठाया जाता है वो है शीशे में दिखी दूसरी आकृति किसकी। नासा ने मून लैंडिंग की जो तस्वीरें जारी की हैं उनमें यात्री के हेलमेट कवर के ऊपर एक दूसरी इंसानी आकृति दिखाई देती है, जिसके चलते सवाल उठाया गया कि दूसरी आकृति आखिर किसकी है। लोगों का दावा है कि नासा ने इस ड्रामे को करने में बहुत सारी गलतियां कर दी, इसलिए उसकी पोल खुल गई। अब सवाल यहां ये कि आखिर अमेरिका ने ये ड्रामा रचा क्यों, तो इसके भी कई सारे जवाब बताए जाते हैं। कहा जाता है कि वो कोल्ड वॉर का दौर था और अंतरिक्ष में चल रही लड़ाई सोवियत यूनियन और यूएस के लिए प्राण प्रतिष्ठा की बात बनी हुई थी। सोवियत यूनियन को नीचा दिखाया जा सके, इसलिए पूरा ड्रामा जो है क्रिएट किया गया, रचा गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की फंडिंग में सरकार लगातार कटौती कर रही थी और उसको बढ़वाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूरी था जिससे सरकार को भरोसे में लेकर उससे मोटी रकम वसूली जा सके। इसलिए नासा ने इस तरह के ड्रामे को अंजाम दिया और सरकार से खूब मोटा पैसा वसूल लिया। वजह सिर्फ ये दो ही नहीं है, बल्कि कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की जो इमेज थी वो उसके अपने ही लोगों में कम हो गई थी, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूरी था जिससे लोगों के विश्वास को फिर से जीता जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान को देखकर पहले लोगों को बेहद खुशी हुई थी, लेकिन असल में चांद पर तो ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान जिसका वजन 4 टन था, उसने चंद्रमा पर कोई निशान नहीं छोड़े, तो फिर आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान कैसे बन गए। ये सवाल भी एक्सपर्ट्स की टीम ने उठाया है। तो इन सबूतों को, मतलब जो आरोप लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद कुल मिलाकर कहें तो नासा भले नील आर्मस्ट्रांग के नाम का ढोल पीटता रहे, लेकिन सच्चाई उससे काफ़ी अलग है, जिसको हम सभी को समझने की ज़रूरत है।
बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे थे मोंटो, मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।